हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले एमसीक्यू सीरीज, हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, बस फाइनली आज वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों। और हमने, चाहे हमारी फ्लेमिंगो बुक हो, चाहे हमारी विस्टास बुक हो, फ्लेमिंगो में जितने चैप्टर्स हैं, पोम्स हैं, सबका सेपरेट वीडियो हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सारे एमसीक्यूज आपको क्लियरली दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज एंड पोएट्री वाइज, बिल्कुल क्लियरली। आपको कोई इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएगा। ओके, सो आज हम हमारी फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज द लास्ट लेसन, और इसके हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझ लिया है, इसकी हमने एमसीक्यू सामरी कवर कर लिया है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर कर लिए, हमने सब कवर कर लिया, और हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके ऑथर कौन है? तो हम सबको पता है, हमने चैप्टर रीड किया हुआ है, हमें ऑप्शंस चार दिए हुए हैं, कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है जेन ऑस्टन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नन यानी इनमें से कोई भी नहीं, एंड डी है अल्फांसो डॉडेट। तो यस, ऑप्शन विल बी आंसर नंबर डी, अल्फांसो डॉडेट। हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अल्फांसो डॉडेट के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी कि वही इस चैप्टर के ऑथर है। सो लेट्स चेक द आंसर। यस, डी अल्फांसो डॉडेट इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, अल्फांसो डॉडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री। जो अल्फांसो डॉडेट हैं, हमारे ऑथर हैं, वो कौन सी कंट्री से आए थे? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सो वो आए थे ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से। तो अल्फांसो डॉडेट खुद फ्रांस से थे, इसीलिए वो उन्होंने ये स्टोरी लिखी, ये पूरी कहानी लिखी, क्योंकि इस कहानी में फ्रांस और प्रशिया, जिसको आज के ज़माने में हम जर्मनी कहते हैं, उन दोनों के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसमें प्रशिया यानी कि जिसको आज के ज़माने में जर्मनी कहते हैं, उसने डिफ़ीट कर दिया था, हरा दिया था फ्रांस को, और कहा था कि अब यहाँ पर आपकी लैंग्वेज फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारी ही लैंग्वेज जर्मनी पढ़ाई जाएगी। और उस वजह से सब लोग उस दिन बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ़ में थे, एंड इसी वजह से जो ऑथर हैं, वो बींग अ फ्रेंच मैन, उन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी है। सो यस, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस, एंड ऑप्शन बी फ्रांस वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो किस ह्यूमन टेंडेंसी यानी इंसान की किस क्वालिटी के बारे में दर्शाती है? पहली है मेल शावनिज्म, बी प्रोक्रास्टिनेशन, थ्री करेज, एंड डी कावडीज। तो मेल शावनिज्म क्या होता है? मेल शावनिज्म वो क्वालिटी होती है मेल्स यानी आदमियों के अंदर, जिसमें उन्हें ये कहीं ना कहीं फील होता है कि हम लोग सुपीरियर हैं विमेन से, औरतों से ऊपर है हर चीज़ में, चाहे वो काम की चीज़ हो, चाहे वो पैसे कमाने की चीज़ हो। तो ये आप उनको, उनका एक मेल ईगो भी कह सकते हैं। सो क्या ये मेल शावनिज्म के ऊपर है स्टोरी? मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ भी मेल शावनिज्म से रिलेटेड यहाँ कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी मदर टंग जो थी फ्रेंच, उसको सेफगार्ड करने के लिए और अपनी फ्रेंच कल्चर्स को सेफगार्ड करने के बारे में बात हुई है। सेकेंड है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन वो क्वालिटी होती है जिसमें इंसान हर चीज़ डीले करता है, यानी आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, चलो कल नहीं परसों पढ़ेंगे, चलो परसों नहीं अगले दिन, अगले महीने कर लेंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ क्वालिटी जिसमें आप हर चीज़ डीले करते जाते हो, यानी कि कल पे टालते हो। तो यस, यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन एक यहाँ पर आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एम हैमिल, मिस्टर हैमिल थे, फ्रेंच टीचर थे, उनके जो स्टूडेंट थे फ्रांस, वो हमेशा पढ़ाई नहीं करता था, वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ग्रांटेड लेता था, और वो क्या करता था, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, कल नहीं परसों पढ़ लूँगा, और ऐसे कर करके उसने अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को सीखा ही नहीं। और एक दिन वो आ गया जब जर्मन्स ने राज करना उन पर चालू कर दिया और उनकी फ्रेंच लैंग्वेज को हटा ही दिया कि आप अब अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि अब हम जर्मनी पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो हो सकता है कि प्रोक्रास्टिनेशन इसका आंसर हो। आगे देखते हैं, करेज। करेज यानी कि हिम्मत। तो हिम्मत तो यहाँ पर फ्रेंच लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि जर्मन्स का राज आ गया था। कावडीज का मतलब होता है कायर होना, जो ब्रेव नहीं होते, जो बहादुर नहीं होते। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कावर्ड होने का कुछ रिलेशन है। सो देखते हैं आंसर क्या है। सो यस, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्रास्टिनेशन। क्यों? क्योंकि
जो मिस्टर हैमिल का स्टूडेंट था फ्रांस, वो प्रोक्रास्टिनेशन करता था, यानी कि हमेशा अपनी मदर टंग फ्रेंच को पढ़ने के लिए डिले करता था कि आज होमवर्क नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, कल नहीं परसों, और इस तरीके से वो पढ़ ही नहीं पाया, उसको अपनी मदर टंग ही नहीं आ पाई। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि जर्मन्स ने उनके ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया और फ्रेंच लैंग्वेज के जितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज का नामो निशान वहाँ से हटा दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत एंड में रिग्रेट कर रहा था। सो ऑप्शन बी प्रोक्रास्टिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अलसेस। अब फ्रांस कंट्री के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक अलसेस एक लॉरेन, और जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से ये ऑर्डर आया था कि अलसेस और लॉरेन नाम की ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस में, यहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसे हम यहाँ पे अलसेस कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो अलसेस के लोग ग्रांटेड ले रहे थे, ग्रांटेड यानी कि बिल्कुल हल्के में, मजाक में ले रहे थे, सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो पहली चीज़ है टीचर्स ऑफ द स्कूल, उनके स्कूल के टीचर्स। दूसरी है टाइम एंड स्कूल, समय की बर्बादी कर रहे थे और स्कूल के टाइम की बर्बादी कर रहे थे। पीपल अराउंड, अपने आसपास के लोग। मनी एंड पावर, पैसा और ताकत। तो अलसेस के लोग किस चीज़ को बार बार नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वो लोग नज़रअंदाज कर रहे थे या इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे टाइम एंड स्कूल को। यानि मिस्टर एम हैमिल जो थे वो बार बार अपना टाइम दे रहे थे, इतने साल उन्होंने 40 ईयर्स उन्होंने वहाँ पर स्कूल में पढ़ाया, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई, स्कूल को टाइम दिया उन्होंने इतना, लेकिन वहाँ के लोगों को टाइम की और स्कूल के टीचर्स की कोई कीमत नहीं पता चली और वो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते थे, यानी कि हर चीज़ डिले करते थे, अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं पढ़ते थे। सो ऑप्शन नंबर बी टाइम एंड स्कूल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, क्या सिंबलाइज कर रहा है, आपको क्या बताने की, क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। पहला है लॉस, यानी कि जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को लूज कर दिया क्योंकि जर्मन्स का राज आ गया था अब। दूसरा है लॉस ऑफ फ्रीडम, उनकी आज़ादी खो गई थी, ख़त्म हो गई थी क्योंकि अब जर्मन्स उन पर राज करेंगे। लॉस ऑफ लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज भी वो लोग लूज कर चुके थे क्योंकि जर्मन से ऑर्डर आ गया था कि अब आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, यहाँ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी कि लैंग्वेज तो खो ही खो दी उन्होंने, साथ में उनकी फ्रीडम भी खो दी। तो यस, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा फ्रेंच खो दी और उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी क्योंकि अब जर्मन्स उन पे रूल करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट, विच इज लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the last lesson signify? ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा है। चेंज ऑफ पावर, यानी फ्रेंच पावर से अब जर्मन पावर आ गई। चेंज ऑफ गवर्नमेंट, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट हटके अब जर्मन गवर्नमेंट फ्रांस में रूल करेगी। चेंज इन लाइफ, फ्रेंच लोग जो थे वहाँ पे, जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे, उनकी पूरी लाइफ बदल गई, ज़िंदगी बदल गई क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, उनकी भाषा चली गई, उनके ऊपर राज करने वाले लोग बदल गए। चेंज इन टीचर्स, उनके टीचर्स चेंज हो गए, यानी कि जो उनको फ्रेंच पढ़ाते थे अब वो चले गए, मिस्टर हैमिल को हटा दिया वहाँ से और वहाँ पे अब न्यू जर्मन टीचर्स आएंगे उनको जर्मनी पढ़ाने के लिए। तो हमें क्या लगता है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि चेंज इन लाइफ वुड बी दी बेस्ट आंसर फॉर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज जब उनकी जब गवर्नमेंट बदल गई, उनके सर से पावर चेंज हो गई, उनके टीचर्स चेंज हो गए, तो बेसिकली उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई ना। देयर इज अ चेंज इन देयर कम्प्लीटली इन देयर लाइफ, 360 डिग्री में उनकी लाइफ ने ट्विस्ट लिया, टर्न लिया। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी चेंज इन लाइफ वुड बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do the marching soldiers under the windows represent? अब जो soldiers थे वहाँ पे वो मार्च करते थे, यानी कि ड्रम्स बजाते थे और left and right मार्चिंग करते थे। तो वो जो मार्चिंग soldiers थे जो विंडो के बाहर फ्रांस देख सकता था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या दर्शा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ प्रशिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, नन ऑफ दीज। डॉन का मतलब क्या होता है, सनराइज,
ओके, प्रशिया जो आज के जमाने में जिसे हम कहते हैं जर्मनी, ओके, डिफीट का मतलब जो हार जाता है, डिफीट कर देता है यानी कि जो हरा देता है किसी को, और जो डिफीट हो जाता है यानी कि वो सामने वाले दुश्मन से हार गया, ओके. तो पहला है द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, यानी कि इस सोल्जर्स क्या ये दर्शा रहे थे कि अब प्रशिया यानी जर्मनी का सनराइज हो रहा है क्योंकि उन्होंने फ्रेंच लोगों को हरा दिया. सनराइज यानी कि अब वो लोग उठेंगे, वो लोग राज करेंगे इन फ्रेंच लोगों पे. दूसरा है द डिफीट ऑफ प्रशिया, प्रशिया को हरा दिया, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि प्रशिया थोड़ी हारी थी, प्रशिया ने हराया था फ्रांस को. द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, तो ये भी आंसर गलत होगा क्योंकि फ्रेंच की विक्ट्री नहीं हुई थी, फ्रांस के लोगों की जीत नहीं हुई थी, उनकी तो डिफीट हो गई थी, उनकी तो हार हो गई थी. नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, विच इज ऑप्शन ए. तो ये जो मार्चिंग सोल्जर्स थे ये दर्शा रहे थे अपने ड्रम्स बजाते हुए मार्चिंग करते हुए कि अब प्रशिया यानी कि अब जर्मनी राज करेगी फ्रांस पे क्योंकि प्रशिया ने हरा दिया फ्रांस को उस वॉर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. अल्सेस एंड लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस में, यहाँ पर ऑर्डर्स आए थे कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड ऑफ जर्मनी पढ़ाई जाएगी. तो इनको ये ऑर्डर्स कहाँ से आए थे? डेफिनेटली जर्मनी से ही आए होंगे जिसे उस ज़माने में प्रशिया कहा जाता था, लेकिन जर्मनी की कौन सी जगह से आए थे? तो अभी ऑप्शंस दिए फ्रांस से, अब फ्रांस में फ्रांस तो नहीं दे सकता ना ऑर्डर कि भैया यहाँ पे फ्रेंच में ही जर्मनी पढ़ाओ, तो फ्रांस नहीं हो सकता. लॉरेन, लॉरेन तो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ऑर्डर आया था जर्मनी से कि भाई यहाँ पे फ्रेंच नहीं जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो लॉरेन भी नहीं हो सकता. बर्लिन, यस ये आंसर करेक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि बर्लिन जो है वो है कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो ऑर्डर डेफिनेटली जर्मनी से आया तो था कि भाई अब फ्रांस में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन जर्मनी की कौन सी सिटी से? तो जर्मनी की बर्लिन सिटी से ये आया था ऑर्डर, और जो बर्लिन है वो कैपिटल है जर्मनी की, तो वहाँ से ऑर्डर आया था, और जर्मनी से तो आया ही आया था डेफिनेटली, लेकिन करेक्ट आंसर वुड बी बर्लिन क्योंकि बर्लिन कैपिटल है. सो ऑप्शन नंबर सी विच इज बर्लिन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what does effects this story speaks about. अब ये जो स्टोरी है उसमें लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा है और ये क्या बताना चाहती है हम लोगों को? ये पावर के बारे में बताना चाहती है कि लोग कितने ताकतवर हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान की भाषा भी छीन लेता है. मनी, पैसा. ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जब आप चेंज होते हो तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं. और डी ऑप्शन है पीपल. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रांजिशन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि फ्रेंच लोगों के लिए ये ट्रांजिशन का समय था, यानी कि उनको बिल्कुल अपना जो नेटिव कल्चर थी, नेटिव उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसको छोड़ के कम्प्लीटली उनको जर्मन कल्चर में ढलना था, जर्मन लैंग्वेज सीखनी थी. तो ये उनके लिए चेंज हुआ है पूरा. जब ये चेंज हुए तो उनके लोग तो अपने आप चेंज होंगे होंगे, उनके ऊपर पावर जर्मन्स की थी और पैसा उनका ही था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राज अब जर्मनी का हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन, क्योंकि ये फ्रेंच लोगों के लिए चेंज का समय आ गया था, उनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ रहा था क्योंकि जर्मन से ऑर्डर्स आ गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? वो रिलक्टेंट था यानी उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो अंदर ही अंदर बहाने सोच रहा था कि चलो मैं बाहर घूमने चले जाता हूँ, कितना अच्छा वार्म सीज़न हो रहा है, क्योंकि फ्रांस में क्या होता है बहुत ठंड होती है, तो उसने देखा कि आज थोड़ी सनलाइट निकली है तो चलो अच्छा है, मैं थोड़ी देर आई विल सिट अंडर द सन एंड आई विल टेक द वार्मथ फ्रॉम द सन. तो इस तरीके से वो सोच रहा था और स्कूल ना जाने के बहाने सोच रहा था. तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा फ्रांस क्यों अपने मन में बहाने सोच रहा था? वॉन्टेड टू इन्जॉय वार्म सनलाइट, क्योंकि उसको वार्म सनलाइट इन्जॉय करनी थी. वॉन्टेड टू सी द सोल्जर ड्रिल, क्योंकि उसको सोल्जर्स की ड्रिल यानी वो ड्रम्स जो बजा रहे थे, जो मार्चिंग कर रहे थे,
वो देखनी थी उसको, और इसीलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था वो. वॉन्टेड टू इन्जॉय आउटडोर, आउटडोर यानी घर के बाहर पार्क में गार्डन में उसको इन्जॉय करना था. या लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. ग्रामर में एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, हर ग्रामर में होता है, तो फ्रेंच ग्रामर में भी ये टॉपिक था पार्टिसिपल्स, जो मिस्टर हैमिल उसके टीचर ने उसको पढ़ने के लिए दिया था, और उसने उसका होमवर्क नहीं किया और ना ही पढ़ा, जिसका उसका आज टेस्ट था, तो इसीलिए वो प्रिपेयर्ड नहीं करके गया था, और वो रिलक्टेंट हो रहा था कि चलो आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मैंने वैसे ही पार्टिसिपल्स का होमवर्क नहीं किया है. तो ये एक रीज़न मुझे लगता है कि वुड बी द बेस्ट रीज़न, क्योंकि इसी वजह से वो सोच रहा था कि चलो मैं वार्म सनलाइट इन्जॉय कर लूँ, सोल्जर्स को देख लेता हूँ, बाहर आउटडोर्स में चले जाऊँगा. वजह यही थी कि होमवर्क नहीं किया था पार्टिसिपल्स पे, इस वजह से टाइम पास करने के लिए वो ये सब चीज़ें सोच रहा था. सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, इस वजह से फ्रांस वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. रिलक्टेंट दैट मीन्स ही वॉज नॉट रेडी टू गो, उसका मन नहीं हो रहा था जाने का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल. अब फाइनली फ्रांस सोचता है कि चलो चले जाता हूँ, देख लेता हूँ, जो होगा देख लेंगे. फिर वो फाइनली स्कूल चले जाता है बिना पार्टिसिपल्स का होमवर्क करे हुए. जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है, उसने क्या नोटिस किया अपने स्कूल में? ऑप्शन है, पीपल वर डांसिंग, लोग नाच रहे थे. स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद ही था. पुलिस पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग यानी कि पुलिस चेकिंग पर निकली हुई थी अपनी गाड़ी में. पेट्रोलिंग यानी कि पुलिस अपनी गाड़ी पे चेकिंग पे निकली हुई थी. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था. स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक अजीब सी शांति छाई हुई थी पूरे स्कूल में. सो लोग ऑब्वियसली नाचेंगे तो नहीं, क्योंकि उसी दिन बर्लिन से ऑर्डर्स आए थे. स्कूल बंद क्यों होगा, स्कूल तो चालू ही रहेगा. पुलिस क्यों चेकिंग पे निकलेगी वहाँ पर, कुछ भी मतलब है ना. तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस, वैसे जो फ्रांस का स्कूल रहता था वहाँ बहुत हसल बसल रहती थी, बहुत शोर रहता था, बच्चे काफ़ी आवाज़ करते थे, बच्चे कोरस में अपने लेसन्स रिपीट करते थे, उसकी आवाज़ रहती थी, अपने डेस्क ओपन बंद, ओपन एंड क्लोज करते थे, उसकी काफ़ी आवाज़ रहती थी. तो उस दिन जब फ्रांस फाइनली स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि एक स्ट्रेंज ऑड, एक बहुत ही अजीब तरीके की क्वाइटनेस थी, यानी कि बिल्कुल शांति थी, लोग बिल्कुल चुपचाप थे. सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट, दैट इज स्ट्रेंज क्वाइटनेस. ये चीज़ फ्रांस ने अपने स्कूल में नोटिस करी उस दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास. जब फ्रांस पहुंचा वहां पर, अपनी क्लास में एंटर किया, देखा कि अरे आज तो बहुत शांति है, तो जो उनकी क्लास के लास्ट बेंचेस थे वहां कौन बैठा था? अब आप बोलेंगे बच्चे ही बैठे होंगे, स्टूडेंट्स ही बैठे होंगे. नहीं, लेकिन बहुत अजीब चीज़ देखी फ्रांस ने, वहां पर बच्चे नहीं बैठे थे, वहां कोई और बैठा था. तो ऑप्शंस हैं, वीक स्टूडेंट्स, क्लास के जो बहुत वीक स्टूडेंट्स थे वो बैठे हुए थे. टीचर्स, टीचर्स क्यों बैठेंगे, टीचर्स तो सामने खड़े होकर पढ़ाएंगे, तो वो ऑप्शन नहीं है. मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, नहीं वो भी नहीं थे. विलेज एल्डर्स, यस. सो ऑप्शन नंबर डी, विलेज एल्डर्स वुड बी करेक्ट. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा हुआ है, हमने देखा, हमने उसमें रीड किया कि जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था. क्यों? क्योंकि उस दिन क्लास की जो लास्ट बेंचेस थी वहाँ विलेज के एल्डर्स, उनके गांव के, अलसेस के जितने भी एल्डर्स, बुजुर्ग लोग हैं, वो बैठे हुए थे. तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था फ्रांस की, ये क्या है, क्लास में गांव के बुजुर्ग लोग आके बैठे हुए हैं. तो ऑप्शन नंबर डी, विलेज एल्डर्स वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज. फ्रांस सरप्राइज क्यों हो गया था, बहुत ज़्यादा शॉक में क्यों आ गया था? तो पहला, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स. उसने देखा कि क्लास के लास्ट बेंचेस पे विलेज के एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं. दूसरा, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग. उसने देखा कि पूरी जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, यानी कि अपनी पुलिस वैन्स में बैठ के चेकिंग पे निकली हुई है. बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स का बिहेवियर बहुत अजीब था, बिल्कुल शांत बैठे थे उस दिन, वो देख के बहुत सरप्राइज हो गया था. बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर. क्योंकि जो उनके मिस्टर हैमिल थे, जो कि उनके फ्रेंच टीचर थे, जिन्होंने स्कूल में 40 इयर्स के लिए पढ़ाया था, वो रहते भी उस स्कूल के ऊपर ही थे, घर भी उनका वहीं था, उनके काइंड और पोलाइट बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शायद शॉक हो गया था फ्रांस. क्यों? क्योंकि जो मिस्टर हैमिल थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, और उस दिन वो बहुत काइंड एंड बहुत पोलाइट तरीके से सबसे बात कर रहे थे. तो ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था. सो आंसर विड बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ एम हैमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, ऑप्शन डी.
Okay. Next question. Why was France feeling regretful and sad? Regretful का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत regret करते हो, पछताते हो किसी बात पे कि अरे ये मैंने क्यों नहीं किया. तो France इतना regretful और sad यानी दुखी क्यों feel कर रहा था? तो option है for reaching late क्योंकि वो उस दिन school late पहुंचा था. For not learning participles क्योंकि जो participles का homework दिया था उसके teacher Hamel ने वो उसने नहीं किया था इस वजह से. फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि वहाँ पहुँच के उसे ये पता चला कि गवर्नमेंट में चेंज आ गया यानी कि अब फ्रेंच नहीं जर्मन गवर्नमेंट हम फ्रांस के लोगों पे राज करेंगी ये जान के वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था. फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग या फिर उनकी मदर टंग जो कि थी फ्रेंच वो ना पढ़ने के लिए और ना ही पढ़ी उसने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल फील कर रहा था. सो येस ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट दैट इज For not learning his mother tongue. Homework तो वो वैसे भी नहीं करता था तो उसको क्या regret होगा. उसको regret, उसको पछतावा इस चीज़ के लिए हो रहा था कि मैंने अपनी mother tongue, अपनी खुद की फ्रेंच भाषा ही नहीं पढ़ी और हमेशा procrastinate किया यानी delay किया कि चलो आज नहीं कल पढ़ूंगा कल नहीं परसों पढ़ लूँगा. मेरे टीचर मिस्टर हैमिल ने हमेशा मुझे फोर्स किया पढ़ने के लिए हमेशा बहुत कोशिश की लेकिन मैंने नहीं पढ़ा उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया इसीलिए वो आज बहुत पछता रहा था रिग्रेट कर रहा था कि अब तो आज लास्ट डे है फ्रेंच पढ़ाने का उसके बाद मिस्टर हैमिल चले जाएंगे और परसों से जर्मन टीचर्स हमको आके जर्मनी पढ़ाएंगे. तो वो बहुत रिग्रेट कर रहा था कि मुझे खुद की मदर टंग अपनी खुद की मातृभाषा फ्रेंच नहीं आती. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन होम डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल. जब मिस्टर हैमिल क्लास में वहाँ पे खड़े हुए थे तो वो सारे विलेजर्स जिन्होंने बैक बेंच पे बैठे हुए थे सारे बच्चों को बता रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे उस दिन. तो वो ब्लेम कर रहे थे उस दिन पेरेंट्स को कि सारे पेरेंट्स की गलती है कि तुम लोग अपने बच्चों को फार्म्स पे मिल्स पे खेतों पे काम करने के लिए भेज देते हो कुछ चंद पैसे कमाने के लिए और स्कूल नहीं भेजते हो जिस वजह से वो आज अपनी मदर टंग ही नहीं जानते और आज वो सिचुएशन आ गई है कि फ्रांस एक वॉर में हार गया जर्मनी से जिस वजह से जर्मन लैंग्वेज जो है अब हमें पढ़नी पड़ रही है उनके रूल के मुताबिक और आज वो सिचुएशन आ गई कि हम चाहकर भी अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते क्यों क्योंकि अब तो फ्रेंच टीचर्स ही वहाँ से जाएंगे और उन्हें जर्मनी पढ़नी पड़ेगी. तो वो उनके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे थे. सो ऑप्शन है पेरेंट्स फ्रेंड्स टीचर्स एंड वॉचमैन. अब वॉचमैन को कोई क्यों ब्लेम करेगा भाई. सो आंसर वुड बी ए पेरेंट्स. वो उनके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे थे कि माँ बाप ने ही बच्चों को स्कूल नहीं भेजा चंद पैसे कमाने के लिए फार्म्स पे काम करने के लिए भेजा इस वजह से आज उन लोगों के बच्चों को क्या नहीं आती उनकी मदर टंग फ्रेंच ही नहीं आती. सो ऑप्शन नंबर ए पेरेंट्स वुड बी द राइट ऑप्शन. ओके क्वेश्चन 16 व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग. हॉसर कौन है. ओल्ड मैन ऑफ विलेज. उनके गांव का सबसे बुजुर्ग ओल्ड मैन जो था उसे हॉसर कहते थे वो लोग. वो भी वहां पे आया था ओल्ड क्रॉफ्टर भी आप कह सकते हो. तो वो आया था वहां पे हॉसर. तो वो जब आया था क्लास में स्कूल में तो वो अपने साथ क्या लाया था. तो ऑप्शंस थे स्वीट्स मिठाइयाँ. अब बहुत खुशी की तो दिन नहीं था वो तो मिठाई क्यों लाएगा. चिल्ड्रन बच्चे क्यों लेके आएगा अपने साथ. बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल में है पढ़ ही रहे तो ये ऑप्शन नहीं है. फ्रेंड्स अपने दोस्तों को लेके आया वो नहीं. ओल्ड प्राइमर. ये ओल्ड प्राइमर क्या है. प्राइमर एक ऐसी बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की जिसमें बेसिक्स होते हैं पढ़ाई के. जैसे ग्रामर की हमारी इंग्लिश ग्रामर सबसे बेसिक बुक होती है उसको पढ़ते हैं धीरे धीरे फिर अपने लेवल बढ़ाते हैं आगे पढ़ते हैं लैंग्वेज की बुक्स. तो ओल्ड प्राइमर उनकी बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज की बुक थी. ओके तो यस जो ये ओल्ड हॉसर है उनके गांव का वो अपने साथ ये ओल्ड प्राइमर बुक लेकर आया था और उसे पढ़ रहा था. एक दिन में वो ऐसा लग रहा था उसे देख के कि एक दिन में वो सारी बुक जल्दी से पढ़ के सब कुछ समझ लेना चाहता है क्योंकि उसको अपनी लैंग्वेज अपनी मदर टंग नहीं छोड़नी थी. सो ऑप्शन डी ओल्ड प्राइमर वुड बी दी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हैमिल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस. अब जो मिस्टर हैमिल थे जो कि फ्रेंच टीचर थे फ्रांस के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ
कि फ्रांस जो उनका स्टूडेंट है वो मिस्टर हैमिल के रूलर यानी जो स्केल वो यूज़ करते थे और जो क्रैंकीनेस यानी कि वो जो गुस्से में रहते थे हमेशा उन सबको भूल गया वो। तो ऐसा क्या हुआ उस दिन कि वो उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को भी भूल गया उनका स्टूडेंट? तो ऑप्शंस हैं पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस गाड़ी में पेट्रोलिंग कर रही थी, चेकिंग कर रही थी इसलिए वो भूल गया, मतलब कुछ भी है ना। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, क्योंकि स्कूल में उस दिन अजीब तरीके की क्वाइटनेस थी, बहुत शांत बैठे हुए थे लोग, इस वजह से वो अपनी टीचर के स्ट्रिक्ट बिहेवियर को भूल गया? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बसल ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि सड़कों पे बसल थी यानी बहुत भीड़ थी, बहुत शोर था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, एवरीबडी वॉज बसलिंग यानी कि क्राउडेड हो रही थी वो जगह बहुत। क्यों? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के लोग आ रहे थे, जर्मनी से लोग आ रहे थे क्योंकि वो राज करने वाले थे फ्रांस में, इस वजह से वो अपने टीचर की स्ट्रिक्टनेस भूल गया था? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं। द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, येस दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, यानी कि जो मिस्टर हैमिल है जो कि उनके फ्रेंच टीचर्स हैं, क्योंकि एज पर द ऑर्डर्स फ्रॉम द बर्लिन ये आ गया था कि सारे फ्रेंच टीचर्स की आज लास्ट क्लास है, वो जाएंगे और नेक्स्ट डे से अब जर्मन टीचर्स आके उनको जर्मनी पढ़ाएंगे, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस स्कूल से जा रहे थे। 40 ईयर्स उन्होंने स्कूल में काम किया और उन्होंने स्कूल के ऊपर ही वहीं रहते थे, उन्होंने एक छोटा सा अपना ब्यूटीफुल गार्डन भी बना के रखा था स्कूल के बाहर। तो ये सारी चीज़ें वो छोड़ के जा रहे थे 40 साल बाद किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि उनके पास बर्लिन से ऑर्डर्स आ गए थे। और यही चीज़ देख के जो फ्रांस उनका स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो अपने टीचर, अपने स्ट्रिक्ट टीचर की क्या स्केल, मार पिटाई, क्रैंकीनेस, गुस्सा सब भूल गया, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था कि उनके टीचर्स अब जा रहे हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सो यस, ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल, कितने सालों के लिए मिस्टर हैमिल ने उस स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई? ऑप्शन ए 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 40 ईयर्स। तो ये हम सबको पता है, हमने भी स्टोरी में पढ़ाई कि उन्होंने 40 ईयर्स तक अपनी सर्विस दी और स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई। सो ऑप्शन नंबर डी 40 ईयर्स इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? अब क्योंकि मिस्टर हैमिल बहुत गुस्सा हो रहे थे, वो उन बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे थे कि आप लोग अपने बच्चों को फार्म्स पे और मिल्स पे काम करने के लिए भेज देते हो चंद पैसे कमाने के लिए, और उनको स्कूल फ्रेंच पढ़ने के लिए या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए नहीं भेजते हो। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि जो पेरेंट्स थे अल्सेस के, लॉरेन के, जो फ्रेंच के, फ्रांस के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को कहाँ भेज देते थे, स्कूल की जगह कहाँ भेजते थे? तो ऑप्शन है स्कूल, तो स्कूल तो भेजते ही नहीं थे, वो लोग बहुत कम भेजते थे तभी बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आई। कोचिंग, अब उस ज़माने में कोचिंग तो होती नहीं थी, जो स्कूल नहीं भेज रहे वो कोचिंग क्या भेजेंगे भाई? फार्म्स एंड मिल्स या मूवीज़, तो मूवीज़ भी उस ज़माने में आज सच नहीं होती थी, तो फार्म्स एंड मिल्स पे काम करने के लिए भेज देते थे। तो ऑप्शन नंबर सी फार्म्स एंड मिल्स इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स? तो ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाई लिखाई करने के बजाय फार्म्स और मिल्स पे काम करने के लिए क्यों भेज रहे थे? ऑप्शन ए टू प्ले, खेलने के लिए, नो। टू मीट फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, नो। टू मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, नो। टू अर्न मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए, यस। क्यों? क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे, जो फैमिलीज हुआ करती थी उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो उन्हें लगता था बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाई, इससे अच्छा वो फार्म्स एंड मिल्स पे काम कर लेंगे तो कुछ चंद पैसे कमा लेंगे, दे विल अर्न सम मनी, तो घर चल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी टू अर्न मनी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमिल इन द स्कूल? ये जो गांव के जितने भी विलेजर्स थे, जितने भी ओल्ड विलेज के बुजुर्ग थे, ये उस दिन एम हैमिल से क्यों मिलने आए थे स्कूल? तो वो इसीलिए मिलने आए थे क्योंकि मिस्टर हैमिल जो थे वो बहुत ही पुराने, 40 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे उनके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई है और इतने सालों तक उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, तो उनको एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू आपने इतने साल अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड की, इस वजह से उन्होंने उनको थैंक यू करने के लिए वो लोग आए थे। तो टू कंप्लेन, कुछ कंप्लेन करने के लिए आए थे, नो। टू से गुड बाय, यस गुड बाय के लिए आए थे ऑफकोर्स, लेकिन गुड बाय तो वो बाहर से भी बोल सकते थे, वो स्पेशली अंदर आके क्यों बैठे क्लास के? तो गुड बाय के लिए हो सकता है। टू गॉसिप,
गॉसिप करने, मच्छी मार्केट बनाने आए थे? नो, ऐसा कुछ भी नहीं था. टू शो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुल होना, किसी से, किसी को बहुत थैंक यू बोलना कि आपने हमें इतने साल आपने हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड की. तो यस, टू शो ग्रैटिट्यूड एंड गुड बाय. लेकिन अब इनमें से अब एक ही ऑप्शन चूज करना है तो टू शो ग्रैटिट्यूड. सो ऑप्शन नंबर डी, टू शो ग्रैटिट्यूड वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर हैमिल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? मिस्टर हैमिल जाते जाते बोलते हैं कि जो मेरी फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस दुनिया की सबसे ब्यूटिफुल, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि उनके मुताबिक फ्रेंच लैंग्वेज सबसे क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज थी. यानी कि सारे लॉजिक, दिमाग की रीजनिंग्स पे बेस्ड थी और उस हिसाब से उस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था. सेकेंड, बिकॉज इट वॉज इज नेटिव लैंग्वेज, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि ये उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, यानी कि ये उनकी मदर टंग थी. बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि जितने लोग उस वक्त सामने बैठे थे सब फ्रांस के थे, वो खुद भी फ्रांस के थे, तो इसीलिए वो बोलने लगे कि फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं. तो येस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन एज पर द चैप्टर. हमने पढ़ा था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, इस वजह से इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस को क्या, फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मिस्टर हैमिल, कि वो क्या प्रिपेयर करके आएगा घर से? तो ऑफकोर्स मिस्टर हैमिल ने उसको होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल्स पर बोला था कि उस पर प्रिपेयर करके आना, मैं तुमसे एक शॉर्ट टेस्ट लूँगा, पूछूंगा तुमसे क्वेश्चंस, तो यही उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो क्या वो एक सॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रांस से? नो. डांस परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे? नो. ऐसे राइटिंग, निबंध लिख के आना बोला था उन्होंने? नहीं. पार्टिसिपल्स, यस. तो मिस्टर हैमिल ने पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था और वही उस दिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस पढ़ के आएगा और उससे मैं उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा. सो ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपल्स इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिल? एनस्लेव्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के गुलाम बन जाते हो. तो मिस्टर हैमिल बोलते थे, उन्होंने बोला कि जब आप किसी के गुलाम बन जाते हो और वो लोग आपको जेल में बंद कर देते हैं, आपको प्रिजन में बंद कर देते हैं, तो उस गुलामी के जेल से बाहर निकलने की सिर्फ एक ही चाबी आपके पास, और वो चाबी है आपकी भाषा, आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा. वो आपसे मार पिटाई करके कुछ भी काम करवा सकते हैं, आपको बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन वो आपसे आपकी क्या नहीं छीन सकते, आपकी भाषा नहीं छीन सकते. आपको जर्मन सिखा तो देंगे, लेकिन फ्रेंच जो ऑलरेडी आपको आती है वो आपसे छीन नहीं सकते, वो आपके मुंह से निकाल नहीं सकते आपकी भाषा. और क्योंकि भाषा आपको आती है, तो उस भाषा से रिलेटेड जितने ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, वो भी वो आपसे चाहकर भी नहीं छीन सकते. तो मिस्टर हैमिल के कहने का मतलब यही था कि अगर आपको वो लोग गुलाम बना रहे हैं अपने, जर्मन्स जो हैं, तो आपके पास उनकी गुलामी के जेल से बाहर निकलने की एक ही चाबी है, और वो है अपनी मदर टंग. फ्रेंच भाषा को पढ़ो लिखो, फ्रेंच भाषा शुड लॉन्ग लिव, उसी को आगे, कल्चर को अपने बढ़ाओ. तो ये कहते थे मिस्टर हैमिल. सो ऑप्शंस हैं, देयर बिहेवियर, नो. उनकी पावर, फ्रेंच लोगों की पावर उनको झुकने नहीं देगी जर्मन्स के सामने, तो ये तो गलत ही हो गया. क्यों? क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी हार गए थे, तो उनके पास कोई पावर्स नहीं थी. अग्रेसिवनेस, एंगर यानी गुस्सा, लड़ाई झगड़े. बोला कि अगर कोई आपको स्लेव बना दे तो लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करो, वायलेंट हो जाओ, तो नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं बोला था मिस्टर हैमिल ने. मदर टंग, यस, जो उनकी मदर टंग थी फ्रेंच, उन्होंने कहा था यस, यही एक चाबी है जो आपको उनकी गुलामी के जेल से बाहर निकाल सकती है. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी मदर टंग. ओके, नेक्स्ट, What did France notice that was unusual that day? तो फ्रांस ने उस दिन स्कूल जब वो आया था, उसने क्या नोटिस किया था कि ये काफ़ी अनयूजल है, ऐसा यूजली कभी होता नहीं है स्कूल में. तो पहला है क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल काफ़ी शांत था, येस. सोल्जर्स इन द स्कूल, स्कूल में सोल्जर्स थे, ओके, देख सकते हैं. क्राउड इन द स्कूल, स्कूल में काफ़ी भीड़ हो रही थी,
यस एंड ऑल ऑफ दीज या फिर ये सारे पूरे ऑप्शंस. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल. क्योंकि सोल्जर्स जो थे वो स्कूल में नहीं थे, वो स्कूल की विंडो के बाहर उसको दिखे थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे. क्राउड इन द स्कूल नहीं थे, सिर्फ स्कूल के बच्चे और गांव के कुछ चंद विलेजर्स वहाँ पीछे बैठे थे, भीड़ नहीं थी. ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं. तो ऑप्शन नंबर ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल, क्योंकि उनके स्कूल में बहुत शोर हसल बसल होता था और बहुत स्कूल से आवाज़ आती थी, लेकिन उस दिन स्कूल में काफ़ी अजीब तरीके से क्वाइटनेस थी, काफ़ी शांति थी. तो वही चीज़ नोटिस करके काफ़ी अनयूजुअल लगा उसको, फ्रांस को. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे. अब उनके गांव में एक बुलेटिन बोर्ड यानी कि एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था जहाँ पे सारी बैड न्यूज़ आती थी, जितने भी लॉस्ट बैटल्स होते थे यानी कि जितनी भी हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट्स और जितने भी बैड न्यूज़ होती थी सारे ऑफिसर्स से रिलेटेड, वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी. तो उस दिन जब फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था, जलेली भाग के जा रहा था, तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड खड़ा हुआ है. तो क्या था उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे, कौन सी न्यूज़ आई थी? पहला, टीच ओनली फ्रेंच, कि वहाँ पर सिर्फ फ्रेंच पढ़ाई जाएगी. तो नहीं, फ्रेंच तो ऑलरेडी वो लोग पढ़ते ही थे क्योंकि वो लोग फ्रांस में रहते थे. स्पीक ओनली इंग्लिश, नो. टीच ओनली जर्मन, यस, क्योंकि जर्मन्स ने उन पर राज किया, उन पर विक्ट्री हासिल कर ली, तो उन्होंने बोला था कि टीच ओनली जर्मन. टीच ऑल दी, सब कुछ पढ़ाओ, तो ये भी ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं था. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टीच ओनली जर्मन. यही बैड न्यूज़ और यही खबर उस दिन उस बुलेटिन बोर्ड पे यानी कि नोटिस बोर्ड पे आई थी. नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे. तो बर्लिन से ये ऑर्डर्स आए थे कि भाई अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और सारे फ्रेंच टीचर्स को छोड़ के जाना पड़ेगा. तो इस ऑर्डर की वजह से उस दिन स्कूल में, फ्रांस के स्कूल में क्या चेंजेस आए? हसल बसल हो रही थी, बहुत धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा हो रहा था? नो, पीपल वर हैप्पी, बहुत सब लोग खुश थे कि चलो अच्छा अब हमें हमारी भाषा हमसे छीन रहे हैं वो लोग. तो नहीं, ऑब्वियसली नॉट. टीचर्स वर सैड, यस ऑब्वियसली दे वर सैड, ओके. स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, यस दिस इज द आंसर, क्योंकि सैडनेस भी इसमें आ गई. तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस, उस दिन काफ़ी अजीब तरीके की शांति थी स्कूल में और सब लोग सैड थे, चाहे टीचर्स थे, चाहे बच्चे थे, चाहे विलेज के जो एल्डर्स आए हुए थे वो लोग, एवरीबडी वॉज वेरी सैड. सो ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस वुड बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, वॉट चेंज्ड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल. ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फ्रांस के मन में मिस्टर हैमिल के बारे में जो फीलिंग्स थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अपना स्केल दिखा के, अपना रूलर दिखा के हमें डराते हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल से रिलेटेड उसके दिमाग में चेंज हो गई. वो पॉजिटिव थिंकर क्यों बन गया? पहला, पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस चेकिंग की वजह से? नो. ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, यस, क्योंकि बर्लिन से ही ऑर्डर्स आ गए और ये सुन के वो बहुत दुखी हो गया और ऑन दी अदर हैंड शॉक भी हो गया था. इस वजह से वो सब पुरानी बातें, मिस्टर हैमिल के डांट को, स्कूल से जो उसको अच्छा नहीं लगता था पढ़ना, ये सारी चीज़ें वो भूल गया, क्योंकि वो ये सोच के बहुत दुखी था और बहुत रिग्रेट कर रहा था कि मैंने अपनी लैंग्वेज क्यों सीरियसली नहीं पढ़ी. स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमिल, नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रिक्ट वर्ड्स है वो तो वो भूल ही गया था जैसे ही उसने ये बर्लिन के ऑर्डर के बारे में पता चला. ओल्ड प्राइमर, नहीं, ये तो वो हौसल लेके आया था, वो खुद ही पढ़ रहा था. तो ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ ऑर्डर्स फ्रॉम द बर्लिन, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, वॉट मेड फ्रांस एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ द मदर टंग. प्रेशियसनेस यानी कि कितनी कीमती है आपकी भाषा. तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फ्रांस और जितने भी विलेज के लोग थे उनको ये रियलाइज हो गया, उनको ये समझ में आ गया कि हमारी जो मदर टंग है, हमारी मातृभाषा जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो कितनी प्रेशियस है, हमारे लिए कितनी कीमती है, ऐसा क्या हो गया? तो ऑप्शंस थे एम हैमिल्स वर्ड्स, जो शब्द एम हैमिल उन्हें वहाँ पे बोल रहे थे उस वजह से उन्हें रियलाइज़ हुआ. स्कूल से कुछ ऑर्डर्स आ गए थे? नहीं, स्कूल से तो कोई ऑर्डर नहीं आया था. सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से सडनली कुछ ऑर्डर्स आ गए थे इस वजह से उनको सडन रियलाइजेशन या सडन लाइकनेस हो गई थी अपनी लैंग्वेज के लिए, या स्कूल के प्रिंसिपल ने आके ऑर्डर दिए थे? तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था. सो आंसर विल बी सी,
सडन ऑर्डर्स फ्रॉम दी बर्लिन. सडन यानी अचानक ऑर्डर्स आके थे बर्लिन यानी जर्मनी से कि अब आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, आपकी फ्रेंच लैंग्वेज जो आपकी खुद की मातृभाषा है वो आपको न पढ़ने का अलाउड किया जाएगा, और जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ेगा. इस वजह से सब लोगों को रियलाइज़ हो गया कि हमारी खुद की भाषा कितनी कीमती है और हम लोगों ने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा. नेक्स्ट एक्सप्रेशन थंड क्लैप इन द लेसन मीन्स. चैप्टर में एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है विच इज थंडर क्लैप. इसका क्या मतलब है? तो जब फ्रांस ने को ये पता चला स्कूल आते ही कि उस दिन मिस्टर हैमिल का लास्ट डे था स्कूल में और वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे, तो समझो वो थंडर क्लैप हो गया, यानी कि उसको कुछ शॉक, कुछ एकदम उसको कुछ सरप्राइज हो गया कि वो ये कि ये क्या हो रहा है, वो कैसे जा रहे हैं. डजेंट मैटर वो कितने स्ट्रिक्ट थे, बहुत होमवर्क दिया करते थे फ्रांस को, बट स्टिल. तो यहाँ पे थंडर क्लैप का क्या मीनिंग है वो हमें गेस करना है. तो थंडर क्लैप मीन्स लाउड बट नॉट क्लियर. कोई चीज़ बहुत तेज़ है बट क्लियर नहीं सुनाई दी, तो नो. लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज़ भी और क्लियरली सुनाई भी दिए, नो. स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. स्टार्टलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसको सुन के आपको शॉक लग गया और आपने अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा. अनप्लेजेंट यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ख़राब लगी हो आपको. तो यस ऑप्शन नंबर सी स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि मिस्टर हैमिल हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं और बर्लिन के ऑर्डर्स के बारे में पता चला, तो वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हो जाएगा आज, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड सिचुएशन में था. तो ऑप्शन नंबर सी विच इज स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट व्हाट डिड मिस्टर हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल. तो मिस्टर हैमिल की जिस दिन आखिरी क्लास थी वो अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या लेकर आए थे? न्यू पेन्स, नई पेन लाए थे, नो. न्यू नोटबुक्स, नई नोटबुक्स लेके आए थे. स्वीट्स, मिठाइयाँ लेके आए थे, कोई खुशी की तो बात थी नहीं, तो जो मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऑब्वियसली नो. या स्टोरी बुक्स लेके आए थे, नहीं स्टोरी बुक्स भी नहीं, वो नई नोटबुक्स लेके आए थे अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए. तो ऑप्शन नंबर बी न्यू नोटबुक्स इज दी राइट ऑप्शन. ताकि वो इसीलिए लाए थे ताकि लोग इसमें फ्रेंच लिखें, पढ़ें और फ्रेंच को समझें, और उस पर फ्रेंच के झंडे भी बने हुए थे फ्रांस के. नेक्स्ट द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर. ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, कौन सी ईयर में ये कहानी लिखी गई है? ऑप्शन ए 1869 से 1870 के बीच में, ऑप्शन बी 1870 से 1871 के बीच में, ऑप्शन सी 1872 से 1873 के बीच में, या ऑप्शन फोर 1870 से 1872 के बीच में. तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि ये जो स्टोरी है 1870 से 1871 के बीच में लिखी गई थी. अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. मीन्स जब स्कूल के लिए लेट हो गया था फ्रांस, तो वो जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहा था, तो एक इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो ब्लैक स्मिथ था आई गेस. तो वो कहता है कि भाई डोंट गो फास्ट, जल्दी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट देयर इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाओगे. तो ये एक्सप्रेशन, ये जो लाइन है, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन है गेटिंग लेट, कि लेट हो जाओगे तुम, नहीं ऐसा तो वो नहीं बोल रहा था उसको. वेरी अर्ली यानी जल्दी पहुँच जाओगे, बहुत जल्दी तो नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो रहा था. नॉट अर्ली यानी जल्दी नहीं पहुँच पाओगे तुम, तो ऐसा तो उस इंसान ने फ्रांस को नहीं बोला था. अर्ली इनफ यानी एक सफिशिएंट इनफ टाइम पे तुम पहुँच जाओगे. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी अर्ली इनफ, कि तुम कुछ ही समय में, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कुछ ही देर में जल्दी से तुम पहुँच जाओगे, टेंशन मत लो. तो आंसर है अर्ली इनफ. नेक्स्ट व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड यानी कि जो वो नोटिस बोर्ड था, उसके सामने क्या था? उसके ऊपर तो बर्लिन की न्यूज़ थी, लेकिन उसके आसपास क्या था? चिल्ड्रन, बच्चे खड़े हुए थे बुलेटिन बोर्ड के आसपास, नो. पुलिस खड़ी हुई थी, नो. हॉकर्स, हॉकर्स यानी कि जो ठेले पे लोग कोई चीज़ें बेचते हैं खाने पीने की, वो लोग, तो नहीं वो लोग भी नहीं खड़े थे. अ क्राउड यानी बहुत भीड़ खड़ी हुई थी, तो यस उस बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी अ क्राउड. क्यों? क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ही शॉकिंग और सैड न्यूज़ आई थी कि अब जर्मन फ्रांस पे रूल करेगी,
और फ्रेंच लैंग्वेज अब उनकी जो मदर टंग है वो वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और सारे फ्रेंच टीचर्स को ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सो इसीलिए पूरी भीड़ वहाँ पे नोटिस बोर्ड पर इकट्ठा हो गई थी। नेक्स्ट, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। अभी जो बुलेटिन बोर्ड था उनके यहाँ, जो नोटिस बोर्ड था, यहाँ पे हमेशा बैड न्यूज ही आती थी, कभी गुड न्यूज नहीं पता चलती थी। तो किस तरीके की बैड न्यूज आती थी? लॉस्ट बैटल्स, बैटल्स यानी लड़ाइयाँ, जितनी भी लड़ाइयाँ फ्रांस हार गया है वो सारी वहाँ पे आती थी। यस, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जितना भी अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट पे करना पड़ेगा फ्रांस को इस जगह पे, हमेशा पैसे जाने की जो खबर होती थी वो, तो यस वो भी आती थी। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो बड़े बड़े कमांडिंग ऑफिसर्स थे फ्रांस के ऊपर, जो उनको कमांड करते थे, वो अलग अलग ऑर्डर्स देते थे जो कि हमेशा सैड न्यूज होती थी फ्रांस के लिए, तो यस ये भी आती थी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यस ये इस सारी तरीके की न्यूज़ जो होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी और ये सारी बैड न्यूज़ होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन से फ्रेंच के बच्चे कौन सी नई लैंग्वेज पढ़ने वाले थे? इंग्लिश? नो। जर्मन? यस ऑब्वियसली, क्योंकि बर्लिन जर्मनी से ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं, आपको जर्मनी पढ़नी पड़ेगी। तो अगले दिन से वो लोग क्या पढ़ने वाले थे? जर्मनी। डच भी नहीं, स्पैनिश भी नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विच इज जर्मनी, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। चैप्टर में एक एक्सप्रेशन आया है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, इसका क्या मतलब होता है? इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा डरता है किसी की स्कोल्डिंग यानी किसी की डांट से। तो यहाँ पे कौन डरता था? यहाँ पे फ्रांस, जो कि मिस्टर हैमिल का स्टूडेंट था, वो बहुत ज़्यादा डरता था मिस्टर हैमिल से। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता था यूजुअली, और उस दिन तो स्पेशली उसने नहीं किया था पार्टिसिपल्स का होमवर्क जो मिस्टर हैमिल ने दिया था। तो वो बहुत डरता था कि मुझे डांट पड़ जाएगी मेरे टीचर से। तो ऑप्शंस क्या है? टू बी हैप्पी अबाउट इट, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब होता है कि आप बहुत खुश हो। तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, किसी की स्कोल्डिंग, किसी की डांट से बहुत ज़्यादा जब आप डरे हुए थे। तो येस दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि फ्रांस डरा हुआ था मिस्टर हैमिल से, क्योंकि फ्रांस ने पार्टिसिपल का होमवर्क नहीं किया था। टू बी इनडिफरेंट, जब आपको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, तो इनडिफरेंट होते हो आप। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, उसको फर्क पड़ रहा था, उसको तो बहुत डर लग रहा था। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो नहीं, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, क्योंकि फ्रांस बहुत डरा हुआ था अपने टीचर मिस्टर हैमिल से। नेक्स्ट, व्हाई वाज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल को स्कूल एंटर करते ही पहली बार देखा उसने, कौन, किसने? फ्रांस ने। फ्रांस लेट हो गया, जल्दी से घुसा क्लास में, उसने देखा मिस्टर हैमिल, तो वो शॉक क्यों हो गया? क्योंकि मिस्टर हैमिल तो यूजुअली वहाँ होते ही हैं, पर क्यों शॉक था? वो इसीलिए शॉक था क्योंकि मिस्टर हैमिल ने एक अलग अटायर पहनी हुई थी, जैसा वो रोज़ पहनते थे वैसा नहीं पहना था। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना था, जो शर्ट उन्होंने पहनी थी पूरी फ्रिल्स वाली शर्ट थी, उन्होंने एक हैट पहनी हुई थी जो कि ब्लैक कलर की थी और वो सिल्क की हैट थी, और उस हैट पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी यानी कि वर्क किया हुआ था, सीक्वेंस का काम किया हुआ था। और यूजुअली मिस्टर हैमिल ये अटायर तब पहनते थे जब स्कूल में कोई सेरेमनी है, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या अवार्ड सेरेमनी है, या कोई इंस्पेक्शन का डे है, तब मिस्टर हैमिल ऐसे स्पेशल क्लोथ ये वाले पहनते थे। लेकिन उस दिन तो कुछ भी नहीं था, तो फ्रांस बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था मिस्टर हैमिल को देख के कि वो इतने ऐसे वाले अटायर में क्यों हैं। तो बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि उन्होंने बहुत फॉर्मल ड्रेसेस पहनी हुई थी, यस इसीलिए वो शॉक था। बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि वो मिठाइयाँ बांट रहे थे, ऑब्वियसली नो, कोई खुशखबरी तो आई नहीं थी बर्लिन से। बिकॉज ही हैड अ फ्लावर्स इन हिज हैंड, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल ऑफ दीज तो नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए विच इज बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, जो उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी थी, ग्रीन कोट, फ्रिल्स वाली शर्ट, ब्लैक सिल्क की हैट जिसपे एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी, तो ये सारा फॉर्मल ड्रेसअप देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था फ्रांस जब उसने मिस्टर हैमिल को देखा। सो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वॉट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमिल सरप्राइज्ड फ्रांस।
मिस्टर हामिल का जो यूजुअली एटीट्यूड होता था काफ़ी स्ट्रिक्ट होता था, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन उस दिन जो उनका एटीट्यूड था काफ़ी सॉफ्ट था, वो काफ़ी पोलाइट थे, ही वॉज बिहेविंग लाइक अ काइंड मैन, क्योंकि उस दिन उनका लास्ट डे था, वो बिल बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। तो ये एटीट्यूड देख के मिस्टर हामिल का फ्रांस बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। ऑल्सो फ्रांस बहुत लेट हो गया था उस दिन स्कूल के लिए, तो उसको तो लगा कि मैं तो बहुत डांट खाऊंगा, मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने फ्रांस को कुछ नहीं बोला। जैसे ही फ्रांस एंटर हुआ उन्होंने बोला चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, और कुछ नहीं बोला था। वो तो शॉक हो गया कि मिस्टर हामिल ने तो मुझे बिल्कुल नहीं चिल्लाया, बिल्कुल पनिशमेंट नहीं दी, तो इस वजह से वो शॉक था। तो ऑप्शंस हैं सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि उस दिन मिस्टर हामिल काफ़ी सॉफ्ट थे, काफ़ी काइंड थे, यस। रूड थे? नहीं, क्योंकि वो काफ़ी रूड और स्ट्रिक्ट तो पहले से ही थे। काफ़ी फर्म एंड स्ट्रिक्ट? नहीं, उस दिन नहीं थे, वैसे वो होते थे। नन ऑफ दीज, तो ये तो हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्ट एंड काइंड। उस दिन लास्ट डे था जब उनका, मिस्टर हामिल का, तब वो काफ़ी सॉफ्ट एंड काइंड थे, और यही चीज़ देख के फ्रांस बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, और उसको लेट आने पर डांट भी नहीं दी उन्होंने, तो इसीलिए वो शॉक्ड था। नेक्स्ट, हु वॉज एम हैमिल? मिस्टर हैमिल थे कौन? तो जैसे हम सबको पता है कि पूरी राम कहानी हो गई, और लास्ट में ये क्वेश्चन हमारे पास आया है कि मिस्टर हैमिल थे कौन, तो मिस्टर हैमिल एक फ्रेंच टीचर थे जो कि फ्रांस में पढ़ाते थे, अलसेस नाम के डिस्ट्रिक्ट में, और 40 साल तक उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो, ओके? तो ही वॉज अ स्पाई, जासूस थे? नो, ऑब्वियसली नॉट। अ लैंग्वेज टीचर? यस, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे वो, यस। सोल्जर थे क्या? नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल थे क्या? नहीं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज अ लैंग्वेज टीचर। और कौन सी लैंग्वेज के टीचर थे वो? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। 40 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी, ओके? सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने सारी जगह से पूरे चैप्टर में जितने हो सकते हैं हमने सारे एमसीक्यूज बिल्कुल निकाल के आपके सामने प्रेजेंट किए, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी इंसिडेंट आप मिस ना कर पाएँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पर नहीं मिल रहे तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा जहाँ पे अलग अलग क्लासेज मैंशनड हैं, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 12th की इंग्लिश की वीडियोज़ देखनी है तो आप क्लास 12th पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे पढ़ाने वाले 12th में सारे टीचर्स और उनके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स आपके सामने उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये रहा इंग्लिश जो कि मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश में, आप इस पर क्लिक करेंगे, और जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो आपको जो भी चैप्टर देखना है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 द लास्ट लेसन देखना है, आप इस पर क्लिक करिए तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एमसीक्यू से पहले अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, उसकी समरी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने, तो वो सारे वीडियोस हमने बना के आपके लिए रेडी रखे हुए हैं। आप इजीली वेबसाइट से या यूट्यूब से, जहाँ से आपको इजीली एक्सेसिबल हो, आप देख सकते हैं। एंड वन थिंग विच यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट, विच इज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।